रायबरेली जिले का राणा बेनी माधव सिंह जिला अस्पताल बाहर से देखने में जितना चकाचौंध दिखाई देता है, अंदर से उतना ही उसकी हालत बदतर बनती जा रही है। अस्पताल में आज लगभग 11 बजे अचानक फायर सिस्टम का पाइप खुल गया और नतीजा ये हुआ कि पूरे अस्पताल में पानी ही पानी हो गया। डायलिसिस सेंटर के पास खुले पाइप पानी एक्सरे विभाग से होता हुआ पैथोलॉजी अल्ट्रासाउंड अन्य कमरों तक जा पहुंचा। अस्पताल कर्मचारी इस जल भराव को देखते हुए भी नजर आए। लगभग आधे घंटे बाद किसी तरह पाइप से निकल रहे पानी को बंद किया गया और आनन-फानन में अस्पताल कर्मचारियों द्वारा पानी को बाहर करने की व्यवस्था शुरू कर दी गई। लेकिन इस तरह के अस्पताल में सुविधा मरीजों को दी जा रही है, जहां पता नहीं चलता कि कब ऑक्सीजन सिलेंडर बंद हो जाए और कब पानी का पाइप खुल जाए। इससे तो यही लगता है कि अस्पताल में अगर आप इलाज करने जा रहे हैं तो आप अपनी जान की सुरक्षा भी साथ में करते जाइए, क्योंकि कभी भी अस्पताल का कोई भी भाग आपको मुसीबत पहुंचा सकता है। नहीं आ रहा है, दिख रहा ना पानी, ये कोई खुल गया कुछ थी। बड़ा है भैया, कहाँ से आए पानी ये? अरे पानी उधर से आ रहा, जीने से कहाँ से आ रहा, कोई बंदे के बंद करने के लिए तैयार नहीं। तो इतना पानी भर गया तो साफ कैसे होगा? साफ है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जा रहे हैं। अच्छा, हम क्या कर सकते हैं, हम लोग तो खुद परेशान हैं, हम लोग कैसे जाएँ। अल्ट्रासाउंड कराने आए हैं लेकिन उसके सामने पानी भरा पड़ा है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।